वैसे माजबीन, रशीदा के लच्छन तो मुझे पहले दिन से ही नहीं अच्छे लगते थे। मैं जब भी माजबीन के पास नजर न्याज के लिए आती थी तो मैं अक्सर उस औरत को देखती थी, नदीदी नजरों से तांक झांक करती रहती थी। तौबा तौबा, ठीक कह रही हो, आजकल एतबार वाले लोग मिलते ही कहाँ हैं, और फिर हमारी महजबीन जैसी अमीर अकेली औरत किसकी राल नहीं टपकेगी। मैं आप लोगों के लिए चाय बना के ले रही। बैठी रहो बैठी रहो, आलिया बना रही है चाय। मोहल्ले में कह दिया है मैंने मुलाजमा के लिए, है शाम तक उसका बंदोबस्त हो जाएगा, तब तक मैं और आलिया तो है ही। लेकिन शबराता नापा, जब से ये रशीदा वाला वाकया हुआ है ना, किसी भी काम वाली को रखने की हिम्मत नहीं हो रही मेरी। ये भी ठीक है। अच्छा मैं घर के ना चारों कोनों पे दम कर दू, बड़े दिनों से नहीं किया है। ए चलो चलो सारे मर्दाने में चलो, यहाँ पे क्या हो रहा है, निकलो। वैसे माजबीन, तुमने अब क्या सोचा है? किस बारे में? शादी के बारे में। हाँ वो दुल्हा और उसके घर वाले बस शाम तक पहुंचते ही होंगे। लो भाई, तुम कब तक मरहूम शौहर के रिश्तेदारों के बारे में सोचती रहोगी? कभी फुप्पी जात तो कभी मामू जात, आखिर कब तक तुम सिर्फ दूसरों की शादियां करवाती रहोगी? मतलब? मतलब ये कि हम इस शादी की नहीं, हम तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। मेरा जवाब तो आप सब जानते हैं। हाँ हाँ मालूम है, तुम शादी नहीं करना चाहती। माजबीन, मर्द का बहुत बड़ा सहारा होता है। आखिर तुम कब तक ये छोटे मोटे मसले मसाइल अकेली झेलती रहोगी? माजबीन, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? अभी तो चोर आए हैं, कल को खुदा ना खासा डाकू आ गए तो? अभी तो बचत हो गई, कल को कोई नुकसान पहुंच गया तो किस किस को जवाब देती फिरोगी? ये तुम क्या माजबीन को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही हो? ये हमारे मरहूम सेठी भैया की निशानी है, इसे ऐसे नहीं जाने देंगे। नहीं, मेरा मतलब है इसे अकेले थोड़ी छोड़ सकते हैं।